विस्थापन और उससे जुड़े पहलू भाग दो। नमस्ते दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। मैं आपको मुन्ना की कहानी सुना रहा था। मैंने आपसे कहा था कि कैसे वह अपने गांव से विस्थापित हुआ और कैसे वह पुणे आया। मैं उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों के साथ अपने पिताजी के पास गया। मैं विस्थापन की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानना चाहता था। मैं विस्थापन के दौरान लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को और उनके समाधान के बारे में जानना चाहता था। मैं अपने पिताजी के पास गया जो एक किताब पढ़ रहे थे। मेरे पिताजी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इस वीडियो का उद्देश्य है क समझना कि विस्थापन के प्रभाव क्या हैं, ख समझना कि समाधान क्या है। नमस्ते पिताजी, आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, बैठो। पिताजी, मैं आज एक ऐसे लड़के से मिला जो अपने गांव से विस्थापित हो गया था और वह बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अच्छा, उसे विस्थापित क्यों किया गया? उसके गांव में एक बांध का निर्माण हो रहा है और इसलिए अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे गांव में जाएं। विस्थापन एक कठिन प्रक्रिया है। क्या तुम जानते हो कि जब हम हर 2 साल में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं तो हमें भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ नया है, जगह, वातावरण, स्कूल, दोस्त, सब कुछ नया है। हमें नई जगह को समायोजित करने में समय लगता है। हाँ पिताजी, नया स्कूल और नए दोस्त। पर मुन्ना जब से विस्थापित हुआ है वह 1 साल से स्कूल नहीं गया। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से कुछ बच्चे अपने माता पिता की नौकरी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए होंगे। आपके अनुभव क्या रहे हैं? आपने नई जगह पर कैसे समायोजन किया? हालांकि जब लोग बांधों, पुलों, कारखानों, राजमार्गों के निर्माण इत्यादि के कारण विस्थापित हो जाते हैं, वे पूरी तरह से अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं। कैसी समस्याएं? मुन्ना कह रहा था कि उसे अपने खेतों और अपने स्कूल को छोड़ना पड़ा। क्या आप ऐसी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, स्थानांतरण और विस्थापन में अंतर है। आमतौर पर लोग कुछ कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कुछ लोग नौकरी बदलने के कारण, पदोन्नति पर, या एक नियमित प्रक्रिया के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते हैं। आमतौर पर इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा होती है। समायोजन में निश्चित रूप से समय लगता है, लेकिन इनमें वित्तीय सुरक्षा की भावना होती है। मुझे अब तबादलों की आदत हो रही है। वास्तव में मुझे नई जगहों को देखने में मजा भी आ रहा है। लेकिन मुन्ना और उसके परिवार के लोग पूरी तरह से एक अलग स्थिति का सामना कर रहे हैं। पर क्यों पिताजी, उन्हें पैसे की समस्या कैसे आती है? अच्छा सवाल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बांधों, कारखानों, पुलों, राजमार्गों इत्यादि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अपनी कमियां लेकर आते हैं। यदि बांधों का निर्माण किया जाता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, पानी जमा करने का एक साधन मिलता है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। बांधों के बहुत सारे उपयोग हैं। तुम बिल्कुल सही हो, बांधों के बहुत सारे लाभ हैं जिनका तुमने उल्लेख किया है। तो फिर बांध बनाने में क्या नुकसान हो सकता है? बांधों के निर्माण के कारण आदिवासी लोगों का विस्थापन, गैर वन भूमि का नुकसान, जंगलों
वनस्पतियों और जीवों की हानि होती है। यह विकास का अलग पहलू है। ओह अच्छा, क्या राजमार्गों का निर्माण भी इसी तरह की समस्याएं लाता है? हाँ बिल्कुल, राजमार्गों के निर्माण के अपने फायदे और नुकसान हैं। राजमार्ग विभिन्न शहरों और गांवों को जोड़ते हैं। वे परिवहन को तेज करते हैं और भारी वस्तुओं को आमतौर पर राजमार्गों पर ले जाया जाता है। हालांकि विस्थापन की समस्या तब भी होती है जब सड़कें बनती हैं। सड़क निर्माण के लिए भूमि का एक बड़ा हिस्सा लिया जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को बहुत सारे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमने बांधों और सड़कों के परियोजनाओं के फायदों पर प्रकाश डाला है। मुझे यकीन है कि आपने अपने क्षेत्र में कुछ विकासात्मक परियोजनाओं को देखा होगा। क्या आप उन्हें सूचीबद्ध कर सकते हैं और उनके लाभों की सूची बना सकते हैं? पिताजी, तो हमारे स्थानांतरण और मुन्ने के विस्थापन में काफी अंतर है। हाँ, विस्थापन भूमिहीनता, बेघरता, उपेक्षा, भोजन की असुरक्षा, रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि और सामाजिक असंतोष की वजह बन जाता है। वे लोग जो विस्थापित होते हैं गरीबी का सामना करते हैं। गरीबी इसलिए है क्योंकि विस्थापित लोग आय उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यह बहुत दुख की बात है। काश हम मुन्ना और उसके जैसे विस्थापित परिवारों की मदद कर पाते। विकास महत्वपूर्ण है। बांध, पुल, राजमार्ग, सुरक्षा के लिए सैन्य प्रतिष्ठान आदि होने से विकास संभव है, लेकिन सरकार को हर चीज की योजना बनाने की जरूरत है ताकि लोग अचानक विस्थापित ना हों। एक उचित पुनर्वास नीति का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। शुरू से ही परियोजनाओं के नियोजन में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, उनका विचार लिया जाना चाहिए। विस्थापित लोगों के जीवन और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को सब कुछ उनके लिए करना चाहिए। यह कैसे संभव है पिताजी? विस्थापितों को भूमि, मकान और अन्य संपत्ति देने की लागत को सरकार को वहन करना चाहिए। सरकार को पुनर्वास स्थलों का निर्माण करना चाहिए और कृषि के लिए वैकल्पिक भूमि विस्थापितों को देनी चाहिए। विस्थापित लोगों की मदद के लिए वैकल्पिक नौकरियां भी प्रदान करनी चाहिए और अन्य आर्थिक पुनर्वास गतिविधियां करनी चाहिए। अच्छा पिताजी, क्या कोई रास्ता है जिससे हम मुन्ना की मदद कर सकते हैं? मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ एजेंसियों को जानता हूँ जो ऐसे विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने में मदद कर रही हैं। मैं मुन्ना और उसकी बहन की मदद के लिए संबंधित एजेंसी से बात करूँगा। धन्यवाद पिताजी, मुझे विश्वास है कि किसी न किसी से मदद जरूर मिलेगी। हमने गली के बच्चों के लिए एक स्कूल में दाखिला दिलवाकर मुन्ना और उसकी बहन की मदद की। मुन्ना बहुत खुश है कि वह स्कूल जा रहा है। मुझे यकीन है कि वह अच्छी तरह से अध्ययन करेगा और अपने जीवन को सरल बनाएगा। इस वीडियो में हमने विस्थापन की समस्याओं के बारे में सीखा और ये भी सीखा कि उन्हें कुछ हद तक कैसे दूर किया जा सकता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।